हेलो बच्चों, माई सेल्फ आयुष गोयल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स एट रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। और मैं आपको आज बताऊंगा कि जेई 2024 में सिलेबस में क्या चेंजेस किए गए हैं। 2024 में जेई मेंस में काफ़ी सारे सब टॉपिक्स और इनफैक्ट एक और दो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं मैथ्स से, लेकिन जेई एडवांस के सिलेबस में कोई तब्दीली नहीं की गई है। तो जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ वो स्ट्रिक्टली जेई मेंस के हिसाब से हैं। जेई एडवांस के लिए आपको जैसी तैयारी सालों साल चल रही है, बिल्कुल आपको वो सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि सेट्स एंड रिलेशंस में, फंक्शंस में कोई चेंज नहीं किया गया है जेई मेन से, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से आपको स्क्वायर रूट्स के प्रॉब्लम्स अब प्रैक्टिस नहीं करने होंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 2+3 आयोटा। सिमिलरली ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़, जेई मेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस आते रहे हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ का मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पर ये दिया जाता था कि z + 1/mod z की रेंज बताइए गिवन सम कंस्ट्रेंट, mod z² + z + 1 का मॉडुलस 1 है तो आप z + ½ के मॉडुलस बताएं। तो वो क्वेश्चंस जिनमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगकर सॉल्व होता था, और जेई मेंस में ये आते भी थे क्वेश्चंस और ये टफ भी होते थे। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि जेई मेंस में अब इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैट्रिक्स में कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन फिर भी डेकोरेटिव वे में इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस हटा दिए गए हैं, जिसमें हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और कंसेक्यूटिव रोज को सब्ट्रैक्ट करके इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के दो तरीके हैं बच्चों, एक एडजॉइंट का और एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड अब सिलेबस से हटा दिया गया है। हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके कोई क्वेश्चंस इससे ना बनाए जा सकते थे, ऑब्जेक्टिव ना आते थे। तो मैट्रिसेस में डेकोरेटिव चेंज है, खास चेंज नहीं। मैथमेटिकल इंडक्शन सिलेबस से हटा दिया गया है। मैथमेटिकल इंडक्शन का भी केवल एक ही बार क्वेश्चन बहुत साल पहले आया था, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना नहीं पाते हैं। तो ये भी एक डेकोरेटिव चेंज मान सकते हैं जेई मेंस की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन येस, इट इज़ नो मोर अ पार्ट ऑफ द सिलेबस नाउ। बाइनोमियल कोफिशिएंट में ऑफिशियली ये मेंशन करके आया है कि भाई एनसीआर की प्रॉपर्टीज़ पर आधारित क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर इसका हम सही मतलब निकालें तो जो क्वेश्चंस बाइनोमियल सीरीज़ के हुआ करते थे, फॉर एग्जाम्पल σR × NCR, σR² × NCR, तो इस टाइप के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के जो सीरीज़ हुआ करती थी जिनमें प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिटीज़ लगकर क्वेश्चंस हुआ करते थे, तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कम एनी मोर नाउ। तो बाइनोमियल में थोड़ा सा चेंज हम मान सकते हैं। सीक्वेंस सीरीज़ में येस, काफ़ी अच्छा चेंज किया गया है। आपके एजीपीज़ अब क्वेश्चंस में नहीं आएंगी। तो पहले एजीपीज़ आया भी करती थी, तो अब एजीपीज़ विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। सिमिलरली जो क्वेश्चंस σN², σN³ के फॉर्मूले पर आधारित होते थे, वो क्वेश्चंस भी अब नहीं आएंगे। हालांकि मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि स्टिल आप σN², σN³ σN के फॉर्मूलेज लर्न करें और इनसे आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्या पता स्टेटिस्टिक्स या किसी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में ये फिर भी काम आ जाए। तो टेक द चेंज ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एजीपी इज़ अ सेफ बेट, आप उसे हटा सकते हैं, प्रैक्टिस ना करें। लेकिन σN, σN² की प्रॉब्लम्स सिलेबस से तो हटा दिए गए हैं, बट स्टिल आप याद रखें। और एनीवे ये सारे जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो एडवांस में यथावत है। तो एडवांस में भी अगर कोई चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन एडवांस में कोई भी चेंज नहीं है। तो ये केवल उस बात से बताया जा रहा है कि अभी जेई मेंस आ रहा है आपका, तो आप ये टॉपिक्स हटा सकते हैं, क्योंकि मेंस में ये नहीं आने वाले हैं, एडवांस में तो आएंगे ही। LCD में जो ड्रैकोनियन चीज़ होती है, दैट इज़ रोल्स थ्योरम एंड LMBT थ्योरम, ये जेई मेंस में नहीं आएगा, तो आपको इसकी भी तैयारी नहीं करनी है मेंस के लिए। और टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कि टफ भी कई बार पढ़ते हैं, ये भी मेंस में नहीं पूछा जाएगा। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, चाहे वो कोनिक्स का हो, चाहे वो AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का हो, किसी भी रूप में टेंजेंट एंड नॉर्मल जेई मेंस में कहा गया है नहीं आएगा। रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसके दो क्वेश्चंस जेई मेंस में आते थे। कॉमन टेंजेंट्स यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, लेकिन जिस हिसाब से नया सिलेबस बताया गया है उससे ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इंटीग्रेशन में R/N के क्वेश्चंस, दैट इज इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सम, ये चीज़ नहीं आएगी। जहाँ पर आपको n एक सीरीज़ दे दी जाती थी जिसमें इन्फाइनाइट टर्म्स होते थे और आप उसे इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करते थे। तो ये क्वेश्चंस अब इंटीग्रेशन के जेईई मेंस का पार्ट नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी थोड़ा बहुत चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हालांकि ये बहुत आसान होता था और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं भी आते थे, इसलिए कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन आपसे अब ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि आप एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, आप ऐसे पैराबोलास की डिफरेंशियल इक्वेशन बताएं। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, विल नॉट बी देयर। कोऑर्डिनेट में बहुत माइन्यूट चेंज है एक कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस विल नॉट बी देयर। तो कोऑर्डिनेट शिफ्ट, अच्छा इस पर क्वेश्चंस पहले ज़्यादा नहीं भी आते थे और अब इसे ऑफिशियली हटा दिया गया है। जो मेजर चेंज है वो आपका आता है एंगल बाइसेक्टर्स। स्ट्रेट लाइंस में जब आप एंगल बाइसेक्टर पढ़ते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सिलेबस। L1 प्लस लैम्डा L2, तो ये भी जेईई मेंस में नहीं आएगा। और एज आई सेड बिफोर, कोनिक्स के अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला पार्ट अब नहीं आएगा। तो ये एक मेजर रिलीफ है कोनिक्स के पॉइंट से मैं बोलूं, क्योंकि कोनिक्स टफ पड़ता है बच्चों को, राइट। अच्छा, ट्रेडिशनली कोनिक्स के दो पार्ट जो होते हैं, एक एलिमेंट्री और एक टेंजेंट नॉर्मल। तो जो एलिमेंट्री पार्ट है पहले भी जेईई मेंस में ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल वाला भी पूछा जाता था। अब ये सेफ बेट है, आप उसे हटा सकते हैं, वो नहीं आएगा। वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये दोनों सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो VTP जिसे हम कहते हैं और STP, आप उसे स्किप कर देंगे तो कोई आपकी हानि नहीं होने वाली है वेक्टर्स में। प्रोबेबिलिटी, अच्छा वेक्टर्स में मैं एक और चीज़ बताऊं, प्लेन्स भी हटाया गया है, तो आप प्लेन्स वाली चीज़ को भी स्किप कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में से बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा चेंज नहीं है और बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा आता भी नहीं था, लेकिन एक डेकोरेटिव चेंज मैं मान लूँ, दैट इज़ जहाँ पर आपको ये लर्न कराया जाता है कि मीन NP होता है, वेरिएंस NPQ होता है, तो ये वाली चीज़ हटा दी गई है सिलेबस से। तो बहुत कॉस्मेटिक चेंज मान सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मेजर रिलीफ है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विल नॉट कम। तो जो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने का तरीका होता है और जो इक्वेशंस दे रखी होती हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू हाफ, आप इसके सोल्यूशंस बताएं, तो ये चीज़ अब इक्वेशंस नहीं आएंगी, आइडेंटिटीज़ आती रहेंगी। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस नहीं आएंगे, तो हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन वैसे इजी भी पढ़ते थे, लेकिन वो हटा दिया गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग, ये चैप्टर पूरी तरीके से NCERT से भी और जेईई मेन से भी हटा दिया गया है। तो एक रिलीफ जो है आपके लिए वो है कि अब आपको ये एक चैप्टर, हालांकि ये आसान चैप्टर था मैथमेटिकल रीजनिंग, तो वो हटा दिया गया है। तो ऑल सेड एंड डन जो मुझे मेजर रिलीफ बच्चों के लिए लगा इस पूरे कॉस्मेटिक चेंजेस के अंदर जो जेईई मेंस ने किया, वो था टेंजेंट एंड नॉर्मल, कि टेंजेंट नॉर्मल अब इस कोनिक्स का या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो टेंजेंट नॉर्मल आता है वो नहीं आएगा। वो आपके लिए एक मेजर रिलीफ है। रेलिवेंट सिलेबस से जेईई मेंस की तैयारी में स्टिक रहें, और ध्यान रहे ये सारे टॉपिक्स जो हटा दिए गए हैं मैंने बोला, वो सब जेईई एडवांस के अंदर यथावत हैं। तो अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें, और यदि आपकी इस वक्त फोकस जेईई मेंस पर है तो इस वीडियो में कहे गए जो भी टॉपिक्स हैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें, उन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे आप फोकस करें। ऑल द बेस्ट।